उपचुनाव में महिला बाल विकास मंत्री मरती देवी को हराने वाले कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने शुक्रवार को कमलनाथ से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा में सुरेश राजे ने कहा कि मरती देवी को डबरा की जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने हराया। वहीं मरती देवी के उन्हें राजनीति में लाने के सवाल पर सुरेश राजे ने कहा कि मैं 1980 से सक्रिय राजनीति में हूं, तब इमरती देवी का अस्तित्व भी नहीं था। उन्होंने कहा कि 2000 में इमरती देवी को उनकी मां ने मंडी चुनाव में हराया था। कहा कि इमरती देवी को हमेशा पद की लालसा रही है और जब उनके आका ऐसे हैं तो इमरती देवी कैसी होंगी। ना इमरती देवी को मैंने नहीं, जनता जनार्दन ने हराया है। मैं आपको बता दूं, इमरती देवी जब राजनीतिक नक्षत्र में भी नहीं थी, तब से मैं राजनीति में हूँ। 1980 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मेरा अपना जो जीवन है राजनीति का, 2018 में मैंने जो है कांग्रेस में ज्वाइन दी। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि राजनीति में इमरती देवी मुझे लेकर आई। सन 2000 में इमरती देवी ने सबसे पहले मेरे माँ के खिलाफ मंडी का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। सबसे पहले इमरती देवी को शिकस्त देने वाली मेरी स्वर्गीय श्रीमती माँ मोनिया भाई राजे ये मंडी का चुनाव जीती थी और इमरती देवी उनके सामने लगभग 8वें नंबर पर पहुंची थी।